नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। खबर फरुखाबाद से है, जहां कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। सलमान खुर्शीद ने योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए एक विवादित बयान दिया है, जिसमें सलमान खुर्शीद ने कहा कि योगी जी से कहिए कि रिश्ते में मैं उनका बाप लगता हूँ। विवादित बयान देकर सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। योगी लड़ाई किससे मांगते हैं? मुझे इस बात की खुशी है कि योगी लड़ाई मुझसे मांगते हैं, और अगर उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कुछ कहा है तो मैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस पर बात जब चाहे जहां चाहे वो मुझसे आकर बहस कर लें योगी जी, और अगर हो सके तो किसी गौशाला में कर लें ताकि ये पता लगे कि गाय उनके साथ है या मेरे साथ है। उनसे कहिए और योगी जी से कहिए कि रिश्ते में मैं उनका बाप लगता हूँ योगी जी का। अब वो उसके लिए क्या कहेंगे? क्या बड़ा नाकारा निकला ये कहेंगे आप कि बेटा बड़ा नाकारा निकला? गौ माता को खाना भी नहीं पूरा पहुँचाता। किसी और से चोरी करें तो चोरी करें समझ में आता है, लेकिन जिसको माँ कहा उससे चोरी किए, उससे चोरी किया। और देखिए, चोरी तो कृष्ण गोपाल भी करते थे, लेकिन माखन की करते थे, मैं नहीं माखन खायो माँ। और ये क्या करते हैं? ये चारे की चोरी करते हैं, और उससे जो आपने ही रिपोर्ट किया है। विश्व हिंदू महासंघ ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें सलमान खुर्शीद के द्वारा योगी का बाप कहने के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आपको बता दें, बीते दो दिन पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद के द्वारा एक प्रेस वार्ता में कहा गया था कि रिश्ते में हम योगी के बाप लगते हैं। इस बयान ने फिलहाल सियासी भूचाल मचा दिया है। सियासी जानकार सलमान के इस बयान को मुस्लिम मतदाताओं को अपने तरफ मिलने का एक फार्मूला बता रहे हैं, लेकिन हालात कुछ भी हो, इस बयान की चर्चाएं जोरों पर हैं। बीते दिन इस विवादित बयान से चुनावी आग में घी का काम किया है। विश्व हिंदू महासंघ ने सलमान का पुतला फूका और मंगलवार को शहर कोतवाली में सलमान खुर्शीद के खिलाफ तहरीर दी और मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। मातरम इनके खून में लिखा जाता है तो कोई नहीं कहता वो हिंदू था या वो मुसलमान, लेकिन कहते जरूर है कि मरने वाले बोल रहे थे हिंदगान की बोलियां, और आओ आओ लोगों, आंख में भर लो पानी, आज जिन जो शहीद हुए हैं आज उनकी याद करो कुर्बानी। किसने कहा उसमें हिंदू था, किसने कहा उसमें मुसलमान था, किसने कहा कि अब्दुल हमीद एक मुसलमान था? सिर्फ एक ही कहा कि जाबाज सिपाही हिंदुस्तान का था, हम तो उसको हिंदुस्तान का सिपाही कहते हैं। और मोदी के लिए कहा जाता है कि फौज सारी मोदी की है, अब फौज भी मोदी की हो गई, अब कोर्ट भी मोदी का हो गया, अब इलेक्शन कमीशन भी मोदी का हो गया, अब मीडिया भी मोदी का हो गया। मैं तो राहुल गांधी जी से इल्तिजा करता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ खौफ से आजादी की नहीं, गरीबी से आजादी की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आजादी की लड़ाई है, इलेक्शन कमीशन की आजादी की लड़ाई है, हिंदुस्तान के मीडिया की ये लड़ाई है, हिंदुस्तान के मीडिया की आजादी लड़ाई है, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के मुस्तकबिल की आजादी की लड़ाई है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कुर्बानी हम लोगों को दे सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी अजीब बात है, हम कभी दर्द अपना बयान करते हैं, हम अपना दर्द बयान करते हैं तो हमसे कहा जाता है तुम में हुब्बे वतनी की कमी है, तुम पहले तो चाकू भोंकते हो हमें, उसके बाद दर्द का बयान करें तो तुम कहते हो कि हुब्बे वतनी की कमी है। हमने तो ये भी नहीं कहा कि चाकू ना मारो, हमने कहा मरहम लगा दो चाकू मारते हो तो, और इसकी भी हमें इजाजत नहीं, हम मरहम मांगते हैं तो उसकी हमें इजाजत नहीं। और तुम क्या करके आते हो पाकिस्तान से, तुम पाकिस्तान के वजीर आजम के कान में क्या भूख कर आए हो जो वो कह रहा है कि इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को फिर से हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। आज तक अमित शाह ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। मैंने अमित शाह से कहा आ जाओ हम तुमसे बहस करेंगे, और कहा हम तुमसे क्या बहस करेंगे, वो उनकी औकात क्या है जो मुझसे बहस करेंगे, उनके इतने इतने
इतने उनको चुभती हुई बातें उन्होंने जिंदगी में की हैं कि वो कहीं खड़े होकर किसी से बहस कर नहीं सकते, ना वो कर सकते हैं ना मोदी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो आपने देखा है। हमारा ये इस वक्त एक अहद है कि हम मोदी से लड़ेंगे, और मैं ऐलान करता हूं कि मोदी से मेरी लड़ाई में जो मेरे सामने आएगा और मुझे रोकने की कोशिश करेगा, वो गठबंधन का नाम ले या वो हाथी का नाम ले, मैं उसको वार करके चूर चूर कर दूंगा, क्योंकि मोदी की लड़ाई। विश्व हिंदू महासंघ के नेता और सौरभ शुक्ला व अविनाश दुबे आदि ने तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ 171 और 298 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामला ये था कि अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे पूज्य महंत गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विषय में एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी, जिसमें इन्होंने ऐसा कहा था कि मैं रिश्ते में उनका बाप लगता हूँ। ये बात जो थी उनकी हम लोगों के हृदय को चुभी और हम लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत हुई। हम लोगों के हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भी संत होता है, जो संत वेश धारण करता है, वह व्यक्ति अपने परिवार से विरक्त हो जाता है। उसका ना कोई पिता होता है, ना कोई माता होती है, ना ही कोई भाई बहन होता है। और जैसा कि सर विदित है, उनके पिता श्री आनंद कुमार जी विष्ट हैं। यही सब सूचनाएँ हमने अपनी तहरीर में पुलिस के लिए खो दी, और पुलिस ने जिस संदर्भ में धारा 171 जी और धारा 298 के तहत NCR दर्ज कर ली है। हम इस संबंध में आशा करते हैं कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, और सलमान खुर्शीद के खिलाफ हम शीघ्र ही चुनाव आयोग से भी ये शिकायत करेंगे कि वह इस चुनाव में बदजुबानी कर रहे हैं और धार्मिक भावनाएं बढ़का रहे हैं। उनके प्रत्याशिता रद्द की जाए और उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगाएं। अभी आपके खिलाफ जो है योगी जी को बाप कहने के बात को लेकर फरुखाबाद पुलिस ने जो बसी मरा हुआ है ना, एक FIR दर्ज की है। अच्छा, 171 और उसके बाद में अच्छा, किसी को बाप कहना इस मुल्क में जुर्म है, किसी को माँ कहना इस मुल्क में जुर्म है। अगर किसी को बाप कहना इस मुल्क में जुर्म है तो मैं उस जुर्म को स्वीकार करता हूँ, लेकिन बाप वैसा बाप नहीं मैंने कहा जैसा इंसान का बाप होता है। मैंने उसको एक मुहावरे में बाप कहा, लेकिन जैसा भी कहा, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि उनको चुभी एक बात। वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम लगा के जो चाहते हैं कह देते हैं, उनको कम से कम कोई बात चुभी। मुझे खुशी है इस बात की। सर, जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने आनंद फानन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, प्रत्याशी बहुत सारे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या आपके खिलाफ पुलिस भी एक तरीके से पूरी रणनीति बनाए हुए है? मुझे कोई चिंता नहीं है। हम अदालत में पुलिस का आमना सामना करेंगे। सर, क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट या कहीं ऊपर तक ले जाने की तैयारी है? सबसे बड़ा कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है, वो नियम अनुसार जाती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग नहीं सकते। पिछले चुनाव में जब आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब आपने एक बार फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया था, तो क्या हुआ उसका? मुकदमा दर्ज करते हैं तो मुकदमा चलाना तो चाहिए ना। उसको जेब में रख लेते हैं, लिख कर जेब में रख लेते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? मुकदमा चलाना चाहिए हमको। हम ही अपनी मश्क कर लें कि जो मुकदमे झूठे लगाए जाते हैं उन पर जवाब देने का क्या तरीका है। तो पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, आपके खिलाफ, क्या पुलिस की इस कार्यशैली से आप कोई सवालिया निशान उठता है? मुझे कोई शिकायत पुलिस से नहीं है। वो बेचारे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उनको जो कहा जाता है वो कर रहे हैं। अब आगे आमने सामने अदालत में ये चर्चा होगी। ऊपर से टारगेट किया जा रहा है यूपी को, कांग्रेस के नेताओं को, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। करें, हमें कोई डर थोड़ी है, करें ना। उन्हें और कोई काम नहीं करने को तो वो हमें टारगेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भाजपा ने जिस तरह से सनी देओल को आज टिकट दिया है गुरदासपुर से, इससे पहले क्रिकेटर गौतम गंभीर को भी टिकट दिया था, तो क्या भाजपा सेलिब्रिटी और क्रिकेटरों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है? जाहिर है, जब वो और किसी काम पर, वो अपने रिकॉर्ड पर चुनाव नहीं लड़ सकते तो वो किसी और के नाम पर और शोहरत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ लें, उसमें कोई किसको शिकायत है नहीं। तो जिस तरह से क्रिकेटर और सेलिब्रिटी को टिकट दी जा रही है, क्या लग रहा है कि भाजपा की हालत खराब है क्या? भाई, हम तो पहले ही कह चुके हैं उनकी हालत खराब है, लेकिन किसी क्रिकेटर को बेचारे को क्यों बदनाम करो? क्रिकेटर को शौक होता होगा, बहुत दिन से किसी ने हमारा खेल नहीं देखा, तो हम सियासत का खेल दिखाते हैं। अगर सियासत का खेल वो अच्छा दिखाएंगे तो लोग उन पे ताली बजाएंगे, और अच्छा नहीं दिखाएंगे तो आप जानते हैं मायावती केवल कांग्रेस को अपना टारगेट बनाया। आज इन्होंने रैली में केवल कांग्रेस को
ये टारगेट बनाया कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से फेल हुई और प्रदेश और पूरे केंद्र से खारिज हो गई, तो क्या लग रहा है कि मायावती और मायावती को शून्य सीटें पिछले चुनाव में इसलिए मिली कि उनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं? अच्छा है, इसलिए मिली कि उनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं, उनको तो शून्य सीटें मिली थी और अब वो कांग्रेस के लिए कह रही हैं। कांग्रेस को तो 44 सीटें पूरे देश में मिली थी, उनको तो शून्य सीटें पूरे देश में मिली थी और उत्तर प्रदेश में मिली थी, तो थोड़ा सा लिहाज तो करना चाहिए। उनका उनकी औकात और कांग्रेस पार्टी की औकात जीतने के मामले में, आज वो कितनी सीटें पे लड़ रही हैं, सीटों पे लड़ रही हैं, हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, इस बात का इस बात को देखकर वो फैसला करें और फिर कहें कि वो क्या करना चाहती हैं, वो क्या कर सकती हैं। सर, जिस तरह से भाजपा जो है सेलिब्रिटी को लेकर आ रही है चुनाव मैदान में, क्या लग रहा है कि पिक्चर दिखाने आई है क्या? पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन फैसला पिक्चर में क्या है, अंतिम सीन क्या है, वो आपको 23 मई को पता चल जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता को पुलिस त्रिभुवन सिंह ने बताया कि सलमान खुर्शीद ने सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, फरुखाबाद में आपका पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, किस बात को लेकर दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है? ये भाजपा के मीडिया सेल प्रभारी हैं सौरभ शुक्ला, उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसी के तहत फरुखाबाद कोतवाली के अंतर्गत NCR नंबर 90/19 है, जो कि 171G चुनाव के संबंध में और 298 IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। मतलब किस बयान को लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है? सलमान खुर्शीद जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, उसी संबंध में पंजीकृत किया गया था। फरुखाबाद से आलोक दुबे की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।